हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी ब्लॉग। तो आज मैंने आपको बैंगन की ऐसी रेसिपी बनाना सिखाई है जिसे आप खाने के बाद तो कहेंगे वाह, स्वाद ही बदल गया खाने का आज तो। तो पहले मैंने दो बड़े बड़े बैंगन ले लिए हैं और बैंगन को आप बीच में से चीरा लगा लीजिए और उसे चेक कर लीजिए कि उसमें कोई भी कीड़े वगैरह ना हो। और इसे हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करना है। आप चाहें तो कंडे की आग पे भी इसे रोस्ट कर सकते हैं, पर हमारे शहरों में तो अक्सर हमें कंडे मिलते नहीं हैं, तो इसे मैं गैस पे ही अच्छे से इसे रोस्ट कर रही हूँ। और दोनों तरफ से हमें अलट पलट के रोस्ट करना है और साथ ही साथ मैं टमाटर को भी रोस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए, हमारा बैंगन और टमाटर अच्छे से रोस्ट हो चुका है और ये देखिए कितना स्मूथली हमारा बैंगन में से अच्छे से छिलका निकल रहा है। और हम सारे छिलकों को अब ऐसे करके निकाल लेंगे। और बैंगन और टमाटर को अच्छे से छिलका निकालने के बाद अब हम कढ़ाई गरम करेंगे और कढ़ाई में हम डाल देंगे सरसों का तेल। इस रेसिपी को आप सरसों के तेल में बनाएं, बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ध्यान दें, जब भी आप बैंगन और टमाटर छीलें तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि पानी के साथ अगर उसे छीला जाए तो उसका स्मोकी फ्लेवर चला जाता है। तो इसीलिए आप ऐसे ही सूखे हाथों से इसे करें। अब इधर देखिए, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें मैंने डाल दिए जीरा चटकने को। और अब इसमें हम डाल देंगे सूखी लाल मिर्च, तीखी के अनुसार आप मिर्ची डाल सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया है थोड़े से पचफोरन। और स्वाद को और बढ़ाने के लिए इस रेसिपी में मैंने हींग का इस्तेमाल किया है, तो चुटकी भर 2 पिंच आप हींग भी इसमें ज़रूर डालें। बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब मसाला हल्का सा चटकने लगे तो अब हमें बारी आती है प्याज डालने की। तो मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज को अच्छे से चॉप करके काट लिया है और उसे वॉश कर लिया है। अब प्याज को हम ज़्यादा पतला पतला नहीं काटेंगे, हल्का मीडियम साइज में ही हमें प्याज को काटना है। और प्याज को हम हल्का गुलाबी होने तक इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हमारे घर के जो भी रेगुलर मसाले होते हैं, जैसे नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा मसाला और थोड़ा सा सब्जी मसाला, सारे मसालों को हमें इस प्याज के मिक्सचर में डाल देना है और इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है। मैं मसाले डालते वक्त रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो बस आप जो मैं मसालों के नाम बता रही हूँ, बस उस मसाले को इसमें डाल दीजिए और 2 से 3 मिनट तक भुनिए। और आप देखेंगे कि मसाला तेल छोड़ने लगे, तब हम अपने जो बैंगन और टमाटर को छील के और फिर इसे मैश करके रखा है उसे डाल के हमें इसे डाल देना है इस मसाले मिक्सचर में। और ये देखिए, और इसे मिला के 1 से 2 मिनट तक हमें इसे मिला देना है। और ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आप इसे पराठे के साथ या लंच में या डिनर में कभी बनाएं, बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट।